वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे कपकेक, वो भी बहुत ही आसानी से बिना किसी ओवन के। सो फ्रेंड, इसके लिए मैंने एक कटोरी के करीब मैदा लिया, इसको हमने अच्छे से छान लिया है। एंड आधी कटोरी के करीब कोको पाउडर लिया है। कोको पाउडर पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप इसके बिना भी बना सकते हैं। एंड आधी कटोरी पिसी हुई चीनी ली है हमने। एंड दूध लिया एक कटोरी के करीब और ऑयल लिया है, रिफाइंड ऑयल। तो आइए फ्रेंड, अब हम आगे का प्रोसेस करें। एक बाउल लिया है, अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। इसके लिए पहले हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे। लगभग मैंने इस चम्मच से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है फ्रेंड इसमें। एंड अब मैं इसमें चीनी डालूंगी। चीनी भी हमने इसमें डाल दी है फ्रेंड। एंड अब हम दूध डालेंगे। दूध अभी मैं थोड़ा ही डाल रही हूँ, नॉर्मल दूध है ये, रूम टेम्परेचर का। सब चीज़ों को हमको अच्छे से चला लेना है। चीनी को अच्छी तरह से इसमें घोल लेना है फ्रेंड हमको। तो फ्रेंड, अब मैं इसमें मैदा डालूंगी। मैदा भी हमने इसमें डाल दिया है फ्रेंड। एंड अब इसमें कोको पाउडर डालेंगे। आप कोको पाउडर के बिना भी इसको बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगा और बहुत आसानी से बन जाएगा। सारी चीज़ों को हमको अच्छे से मिला लेना है फ्रेंड। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दूध मिलाएंगे। अब और मैं इसमें दूध मिलाऊंगी फ्रेंड। अभी हमारा जो केक का बैटर है फ्रेंड, वो रेडी नहीं हुआ है क्योंकि बहुत गाढ़ा है ये। अभी और हम इसको अच्छी तरह से चलाएंगे। तो फ्रेंड देखिए, अभी भी ये गाढ़ा है। बाकी का दूध भी मैं इसमें मिला लूँगी। तो देखिए फ्रेंड, अब सारा पूरा एक कटोरी दूध लग गया हमको इसमें। अच्छी तरह से हमने इसको मिला लेना है। देखिए फ्रेंड, एंड अब हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। बेकिंग पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेंड, आधी टीस्पून से थोड़ा सा कम बेकिंग पाउडर डालेंगे हम इसमें। एंड सोडा डालेंगे अब हम इसमें, मीठा सोडा, वो लगभग 2 चुटकी के करीब डालूंगी। सोडा हम इसमें कम डालेंगे फ्रेंड। सोडा भी हमने इसमें डाल दिया, एंड बेकिंग पाउडर भी इसमें डाल दिया है। अब वो हम इसको और अच्छी तरह से चला लेंगे। हल्के हल्के हाथों से एक ही दिशा में हमको इसको घुमाना है फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, हमारा जो केक का बैटर है इस तरह से होना चाहिए, वैसे गिरना चाहिए। हमारा केक का जो बैटर है फ्रेंड, ये पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अब हम फ्रेंड, हमने केक का बैटर जो हमारा रेडी हो चुका है। एंड कपकेक बना रही हूँ मैं, तो इस तरह के मैंने कॉफ़ी मंग ली है, आप चाहे तो कटोरी में बना सकते हैं। हमने इसको ऑयल लगा के ग्रीस कर लिया है। तो फ्रेंड, अब हम इसमें केक का बैटर जो है वो भरना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से फ्रेंड हमको केक का बैटर भर लेना है सारे कॉफ़ी मग में, फिर हम इसको बेक करना स्टार्ट करेंगे। केक का बैटर हमने इस कॉफ़ी मग में भर दिया है। तो आइए फ्रेंड, अब हम इसको मैं इस पतीले में बेक कर रही हूँ। इसके लिए हमने इसमें नमक बिछा दिया है, इस तरह का एक घेरा रख दिया है। ये आप चाहे तो कोई कटोरी भी रख सकते हैं, अगर आपके पास इस तरह का घेरा नहीं है तो। अब हम इसको कुछ देर, लगभग 10 मिनट के लिए बेक होने देंगे, यानी गर्म होने देंगे। फिर जो हमारे केक है हम इसमें रख देंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, हम 10 मिनट के लिए हमने इसको गर्म होने दिया है। मैंने इस तरह की एक थाली रख ली है, आप चाहे तो स्टील की थाली भी रख सकते हैं। मैंने कुकर के नीचे जो रखते हैं वो थाली रखी है फ्रेंड। अब हम इसको इसमें रख देंगे। एंड गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखा है फ्रेंड। मीडियम फ्लेम पर हम इसको लगभग 15 से 20 मिनट होने देंगे। तो फ्रेंड देखिए, सारे हमने रख दिए हैं। एंड अब हम इसको ढक देंगे इस तरह से, बहुत ही आसानी से बन जाती है केक। देखिए, हमारे जो कपकेक है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसको पकने में पूरी तरह से 20 मिनट का समय लगा है फ्रेंड। तो देखिए कितने फूल चुके हैं और कितने स्पंजी लग रहे हैं फ्रेंड।
तो फ्रेंड अब हम इसको पंखे की हवा में ठंडा होने देंगे, फिर इसको निकाल। हमारे जो कपकेक है उसको सर्व कर लिया है, देखिए कितनी जाली पड़ी है इसमें, आपको पास से दिखाती हूँ फ्रेंड, और कितना ही स्पॉन्जी केक है ये। तो फ्रेंड अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।